या बिना मतलब आप लोगों ने खड़े थे, जब आप लोग यहाँ आते ही नहीं, तो जब आपको आना ही नहीं होता तो फिर जबरदस्ती बुलाने की जरूरत है। और ये तो रोना रहते हो कि यार पेपर आउट हो गया, ये आउट हो गया, वो करो ये करो। जब हम कल रात को बोल रहे थे सबको आना है, सबको इकट्ठा होना है, जब तक आपको यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि मतलब सरकार कुछ काम करेगी। इतनी छोटी सी भीड़ को देखकर सरकार कभी नहीं सुनेगी, कभी किसी की सुनेगी, चाहे उपेन्द्र भाई कितना चलाता रहे, मैं कितना चलाता रहा हूँ, बाकी कितना ही। और मैं इसी में एक बात कहूंगा, सही सर, आप राम सिंह आड़ा की बात करो, पॉलिटिक वाले, उनके बारे में मैं बताता हूँ। ये तो मुझे ध्यान से, मैं जान कितना डालता ना, आज लाइव सेशन सब लाइव करना आराम से। वो जब मैं 2015 की बात थी, मैं उत्कर्ष ग्रामीण जॉब में था और सितंबर 2018 का 19 का टाइम था। सितंबर 2019 में जब राम सिंह आड़ा पॉलिटिक बढ़ाते थे और जॉब मुझे बिलोंग करते वो, उनको चलती क्लास में बच्चों ने कहा था सर पहले पॉलिटी पढ़ाना सीखो आप, ये उनको कहा गया था। मैंने कहा देखा सर यार ये बच्चे हंगामा कर रहे हैं, आप इसे पॉलिटी पढ़ा क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सर आप चुप रहो, आप अपना काम करो, बाकी हम पर्चे देखते। मेरे को नहीं पता था कि पेपर आउट करते, ये बात आज पता पड़ी कि जैसे पता था उसने पढ़ गई थी उसके बुक से सारे प्रश्न आना वगैरह ये होना और वो प्रश्न आना। तो राम सिंह आड़ा को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि उनको चलती क्लास में बच्चों ने हंगामा किया था, बाहर भगाया था और निर्मल सर ने उनको इसका होने के बाद उनको निकाला नहीं था। ये सत्यता की बात थी। सितंबर 2019 का समय था उस समय। एक इम्पोर्टेंट बात ये कि आज अपन देखते हैं कि पेपर आउट हो रहा है, ये सीधी सी बात है, पेपर आउट हो रहा है। आपने भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले पूर्व शिक्षा मंत्री, तो एक बार धन्यवाद होगा बाकी कोचिंग वाले काम हुए भाई, बच्चों के साथ गलत हो रहा है सीधी बात है, तो बच्चों के लिए एक बार तो बैठना पड़ेगा। सबसे पहली बात है मेरे को तो कोई कोचिंग चलानी है नहीं, ना मैं कोई कोचिंग चलाता हूँ, ना मेरी कोचिंग से मेरा कोई लेना देना है कि बस पढ़ा रहा है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि आपको यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करनी है और आपको अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखनी है। अगर आप अपनी बात नहीं रख पाओगे और ऐसे आप लाइब्रेरी में बैठे रहोगे और आप ऐसे बस फिर अखबार पढ़ लेना कि जैसे आपका एग्जाम होगा अगले दिन आएगा कि ट्रक पलट गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी यह हो गया, कभी होगा, और बस अपने मन को संतुष्टि देते रहना और एक दो सुसाइड करते रहेंगे जो होता रहेगा, बाकी होना जाना कुछ नहीं होगा जब तक आपको अपनी आवाज आरपीएससी तक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक, कर्मचारी चयन बोर्ड तक अपनी आवाज नहीं पहुंचाओगे तो आपका मतलब कुछ भी होने जाना नहीं है। इतना होने के बावजूद भी आप लोगों की 250-300 बच्चों की गैदरिंग है, मैं चाहता था कि आज पूरा जयपुर यहाँ पर होना चाहिए था, जयपुर के हर कोचिंग वाले को अपना कोचिंग बंद करके बच्चों को यहाँ पर लाना चाहिए था, बट आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे। मैं कई बार उपेन्द्र को कहता आप क्यों अपन लड़ रहे जबरदस्ती, मैं कई बार कहता हूँ मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मैंने सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट की है। अपन जबरदस्ती किसी को अपन आरोप लगा रहे हैं ये गलत वो गलत ये गलत गलत, तो स्टूडेंट है इस चीज को तुम मानन वाला, बस तुम लोग बैठे रहोगे मोबाइल में कमेंट करते रहोगे और बस वीडियो देखते रहोगे, बाकी होना जाना कुछ भी नहीं है आप लोगों का, बस कमेंट करते रहना, कमेंट होते रहेगा। अभी इस लाइव का जो देख रहे होंगे मजे ले रहे होंगे, देखो क्या हो रहा है, कितना मजा आ रहा है, कमेंट करेंगे एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे कि यार ये ज्यादा समझदार है क्या। अगर आपको इस चीज को सुधारना है, सिस्टमेटिकल तरीके से काम को करवाना है और पेपर, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हमारे एग्जाम में वो आज तक इतिहास याद है कि जब से 1949 से लेकर आज 2022 से लेकर 2022 तक लेकर लगभग अपने कितने साल होने के बावजूद सीए का कभी पेपर आउट होते देखा आपने कभी आज तक? सीए का कभी पेपर आउट हुआ? कभी आउट नहीं होता आज तक, मैंने अपने इतिहास में देखा कभी सीए का आउट पेपर था, क्योंकि समझदार है स्टूडेंट, समझदार है एग्जाम कराने समझदार है और सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से होता है। हमने बड़ा पेपर कभी आउट होते नहीं देखा, जनरली ये सारी बीमारी आरपीएससी से होती है। अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आज मैं बताऊंगा सारे एग्जाम्पल।